तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकर चलते हैं एक नई जगह जो कि हम लोग अभी पटना के मरीन ड्राइव पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे गोलघर है, विश्वमान भवन है। ये रोड सीधा दीघा निकलेगी, दानापुर भी निकल जाएगी ये रोड, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सोनपुर, वहां का मेला देखने, एक्सप्लोर करने। क्या क्या नई नई चीजें हैं वो चीज हम लोग आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये सामने रहा आपका दीघा ब्रिज, इसके नीचे आप देख सकते हैं ट्रेन जाती है और ऊपर से हम लोग जाएंगे, और आप देख सकते हैं ये हम लोग दीघा ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। और ये बहुत ही लंबा ब्रिज बनाया गया है जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक के लिए है और पूरे गंगा के ऊपर बना हुआ है। और इसका होने का ये फायदा था कि जो डिस्टेंस है वो देखा जाए तो हाफ हो गई थी। पहले लोग इधर से दूसरे एरिया से जाते थे और ये हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। रास्ते में बहुत मज़ा आया। तो फाइनली हम लोग ने दीघा पुल क्रॉस कर लिया है और पीछे आप देख सकते हैं बजरंग चौक है। यहाँ से हम लोग को सीधे अंदर की तरफ जाना है, सोनपुर आ जाएगा। ये रास्ता पीछे आप जो देख रहे हैं सीधे हाजीपुर निकल जाएगा। हाजीपुर यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। हम लोग पहुँच चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं ये नया पुल बना था और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार है इस एरिया की। थोड़ा सा दूर है, चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बने रहे दोस्तों। जैसे ही आप ब्रिज से राइट लेंगे, एकदम सीधे जाने के बाद आप पहुंच जाएंगे सोनपुर के अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ का मंदिर, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। भाई साहब ये देखो, ज़बरदस्त पार्किंग का है जगह पूरा। ये सब पूरा पार्किंग का एरिया है, आप देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट है अपना, ये मंदिर है अपना, देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है। आज यहाँ पे डिप्टी सीएम भी आने वाले हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी। अगर आप आना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। सब चीज़ हम लोग ने एक्सप्लेन कर दी है वीडियो में, कैसे आना है, क्या आना है। बहुत ही सिंपल रास्ता है और जहाँ पे जब भी आएँ तो थोड़ा बाइक अपना जो है वो कहीं और पार्क करके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर बाइक निकालना और फिर खड़ी करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाइक से। और यहाँ पर जो हम लोग मेला स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आज डिप्टी सीएम आने वाले हैं जो कि कुछ ही देर में उनका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। बने रहे वीडियो में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।